कल के लिए मैं खास सामान लेने गया था। ओ मिठाइयाँ, फूलों के हार, पटाखे, ओए ये सब जश्न मनाना कल। थोड़ी रिजल्ट तो कल आ रहा है, ये सब आज ही क्यों भाई? ओ मेहता साहब, तुसी भी कमाल करते हो यार। ओ कल हम लोग जब गोगी पुत्र के रिजल्ट का जश्न मना रहे होंगे, उस समय अगर ये सामान लेने जाएंगे तो जश्न का मजा फीका नहीं हो जाएगा? बात तो तेरी सही है सोड़ी, लेकिन लेकिन छाटो पिड़ू, और मुझे मेरे गोगी पुत्र और तुझ पर पूरा यकीन है, और देखना वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र छप्पर फाड़ के नंबर लेके आएगा। चला चला, आई एम रेडी रेडी। मैं आपके लिए खाने के लिए पोहे लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पोहे क्यों? सुबह तो खाए थे मैंने पोहे। नहीं, पर अभी आप नाखून खा रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपको फिर से भूख लगी है, तो नाखून खाने से अच्छा तो पोहे है, नहीं का? मुझे टेंशन हो रहा है माधुरी। तो नाखून खाने से टेंशन चला जाएगा, ऐसा बढ़ते है क्या? अभी कितना टेंशन ले रहे हैं आप, और अभी तक आपने कॉमिक्स गिफ्ट पैक भी नहीं किए। याद है ना, सोनू ने खास करके पुफरी से फोन करके बोला है कि ये कॉमिक्स उसको गिफ्ट पैक करके गोगी को देनी है। हाँ मुझे पता है माधवी, मुझे याद है, लेकिन टेंशन में जरा भूल गया था मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट हो रही है। अभी पंखा चालू है ना, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। प्यास लगी है लेकिन पानी पीने का मन नहीं हो रहा है। ये गोगी के रिजल्ट को लेके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। अहो इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप, उसके एसएससी का रिजल्ट है, आपके नहीं। माधवी मेरा रिजल्ट होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन गोगी का रिजल्ट है गोगी का। अरे गोगी वो पतंग है जिसकी डोर किसी के पास नहीं है, गोगी वो पटाखा है जो किसी भी दिशा में फट सकता है, गोगी वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये देवा, इनकी रिकॉर्ड परत चालू झाली। आप टेंशन में यही बैठिए, मैं क्लब हाउस जाके आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं रिजल्ट लगने के बाद आता हूँ। जाओ जाओ, काय बरे आप तो, तुम्ही वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और आप शिक्षक हो। अरे इसीलिए तो, जैसे रिजल्ट लगेगा ना सब पहले मेरी ओर देखेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माधवी। ये क्या बचपना लगा रखा है, ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। चलिए जल्दी से गिफ्ट पैक कीजिए, मैं मदद करती हूँ आपको। ठीक है? हाँ मस्त झाले। हाँ, चला चला, वो बाद में रख के पिक करिए। चलिए जल्दी से, नहीं आने देर हो रही है मेरी। अब कुछ मत बोलिए, चलिए चलिए। मुझे डर लग रहा है, तुम समझ रही हो मेरी बात? शांत रहिए आप। क्लब हाउस के रौनक की कुछ आ रहे। हाँ हाथी भाई, ये सब डेकोरेशन अब्दुल भाई के साथ टप्पू पिंकू गोली ने भी किया है। वेरी गुड। जिस रिजल्ट की तैयारी इतनी अच्छी है, वो रिजल्ट कितना अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट भिड़े। देखा, मुझे ही बोला ना ऑल द बेस्ट। हाँ तो ऑल द बेस्ट ही बोल रहे हैं आप, थैंक यू बोल दीजिए बस। हाँ थैंक यू बोपटलाल। लेकिन वैसे रिजल्ट तो गोगी का है ना? अरे भाई भिड़े, गोगी तेरा स्टूडेंट है ना, तो ऑल द बेस्ट तुझे बोलूं या गोगी को बोलूं, एक ही बात है ना? ओ हाँ यारा, ओ गोगी पुत्र के रिजल्ट का इंतजार सबसे ज्यादा तो पिड़ू को है। हाँ इंग्लिश मास्टर, अपनी घड़ी देख ले, 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और मैं जटिया को लेकर आ गया। हाँ भाई तू मेरी हाजिरी लिख ले भाई, वरना फिर तो सबको बोलता फिरेगा कि जेठालाल लेत लतीफ है, सबके बाद में ही आता है, लेट आता है। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जीठा जी। हाथी भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोमल बॉबी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठालाल गुड मॉर्निंग। मुझे भूल गए? नहीं नहीं, अरे भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई गोगी बेटा, परीक्षा के वक्त हमने तुझे जो प्रॉमिस किया था वो हम बिल्कुल भूले नहीं है। देख मैं तेरे लिए मेरा ये लकी छाता लेकर आया हूँ, ये ले। वाह क्या बात है। थैंक यू पोपट अंकल। इट इज माय प्लेजर बेटा। गोगी बेटा, मैंने भी तुझसे कुछ वादा किया था, याद है ना? हाँ जेठ अंकल, स्मार्टफोन। हाँ मुझे भी याद है। हाँ
आ तो बेटा तेरे लिए मस्त ताजा ताजा फ्रेश पीस अभी दुकान से आ रहा है। बागा अंकल लेके आ रहे हैं। तेरे हाथ में रिजल्ट आ जाएगा ना उसी वक्त तेरे हाथ में स्मार्टफोन भी आ जाएगा। थैंक यू सेठ अंकल, थैंक यू पोपट अंकल। मजा है गोगी जी नहीं। सर इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप? हंस तो रहा हूँ ना मैं। मजा है मजा है। और हाँ गोगी, ये मेरा वीडियो गेम कलेक्शन। जी तो नहीं कर रहा है पर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। साथ में खेलेंगे आप? हाँ पक्का। ठीक। और ये ले तेरे लिए ब्लूटूथ स्पीकर। थैंक यू यार। गोगी ये सुनो के कॉमिक्स। हाँ उसने खास फोन करके बोला है देने के लिए। थैंक यू। और गोगी पिका तुम्हें फाड़े लैपसी बहुत पसंद है ना, हम लोग तुम्हारे लिए लैपसी लेकर आए हैं। रिजल्ट आने के बाद खाना हो बेटा। लैपसी? दयांटी थोड़ा पहले नहीं खा सकते? नहीं ना बेटा नहीं खा सकते। तो दया आंटी अभी घर में बना रहे थे ना, इतनी जबरदस्त सुगंध आ रही थी, मैंने भी बोला थोड़ी तो चखने के लिए दे, तो बोली नहीं गोगी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में सबको खाने के लिए मिलेगा। गोगी बेटा ये ढेर सारी चॉकलेट्स तो तुम्हारे लिए। वाओ थैंक यू आंटी अंकल। वेलकम बेटा, बाद में खोलना तो मुझे भी थोड़ी खिला। सब लोग गोगी के रिजल्ट आने के पहले ही उसे गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेकिन खुदाई जी ऐसा कुछ करना कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने मेरा SSC का रिजल्ट यादगार बना दिया। अरे गोगी पुत्र अभी तो तेरा ये दिन और भी ज्यादा यादगार होगा, देखता जा। और टोल वालों सोड़ी अभी 2 मिनट में रिजल्ट लगने वाला है भाई, चलो चेक करते चलो। अरे भाई 9 बजते रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और 9 बजने वाले ही हैं। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, आज गाना बाद में करेंगे। वैसे सोड़ी क्या जमाना आ गया है। नहीं एक हमारा जमाना था। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ एक हमारा जमाना था जिसमें रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ता था, है ना। और अभी ये आज का जमाना है जो ऐसे ही यहीं पे खड़े खड़े रिजल्ट पता चल रहा है। ओ करेक्ट क्या पिडो, उस स्कूल जाकर हाथ में मार्कशीट लेकर रिजल्ट देखने का मजा ही कुछ और है यार। सही बात है। ऑल द बेस्ट गोगी। ओ ऑल द बेस्ट। गोगी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गोगी। चकते फटे। ओ गोगी देखा माताजी का नाम लेकर रिजल्ट देख लो बेटा। ओए गोगी पुत्र, ओ वाहेगुरु जी तेरे को छप्पर फाड़ के नंबर देंगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। देख लेते हैं गोगी पुत्र। सब लोग जगह पे जाओ, गोगी रिजल्ट देखेगा वो हमें बता देगा। वही कर रहा था, गोगी को ही आगे ला रहा है। तो आ जा गोगी, आ जा। अच्छा गोगी बेटा एक मिनट, गोगी आ जा। हां गोगी पुत्र आ जा यार। कर लो पप्पू यार, कमाल कर रहे हो, थोड़ी आ जा। गोगी सिर्फ तुम रिजल्ट देखना और सबको बता देना। हां गोगी बता देख। उत्तरी डिस्टिंक्शन।
क्या मतलब? समझाता हूँ बाद में। डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन वाह डिस्टिंक्शन ओके की होया गोगी पुत्र पापा 75% के ऊपर आते उसे डिस्टिंक्शन कहते हैं। अरे अरे परसेंटेज मिले ये तो देखू गुरुचरण सिंह मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? नहीं कसं शक्य नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल है भाई रुक जाओ अरे काई झाला थोड़ी अरे आप लोगों को मालूम नहीं है गोगी को 105% आए हैं ये तो फाइनल ये तो फाइनल रिकॉर्ड हो गया यार चाचा जी इसे समझाइए चाचा जी अरे आवाज ना कर एक अरे शांत हो जाओ अरे उसकी बात तो सुन वो क्या बोल रहे हाँ? वो कह रहे हैं गोगी को 100 में से 105% आए हाँ चाचा जी 105% आए गोगी पुत्र मैंने तेरे को कहा था ना कि तू छप्पर पार का नंबर लाएगा और वाहेगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र छप्पर पार का नंबर ले आया और यार बजाओ टो अरे रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ क्या बार बार बजाने को बोल रहे हो सुड़ी भिड़े मास्टर की बात समझने की कोशिश करो 100% से ऊपर मार खाने पॉसिबल ही नहीं है हाँ। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई और गोगी पुत्र ने इतना अच्छा लिखा होगा हैंड राइटिंग भी बड़ी अच्छे ढंग से लिखी होगी और जो एग्जामिनर होगा ना वो खुश हो गया होगा और खुश होने की वजह से उसने इतने अच्छे नंबर दे दिए होंगे हाथी भाई और मैंने एक गल दसो आप होटल में जाते हो खाना खाते हो आपको बहुत पसंद आता है तो आप कभी कभी बिल से ज्यादा पैसे दे देते हो कि नहीं देखो सॉरी समझने का कोशिश करो ये इम्पॉसिबल है हाँ भाई ऐसा नहीं कर सकते ये बोर्ड के नियमों के विरुद्ध है ऐसे ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते भाई कुछ गड़बड़ है रिजल्ट में की गड़बड़ हो जाएगी भाई आप अलग कैसे समझाओ सॉरी तुम्हारे जीप की मैक्सिमम स्पीड क्या है 220 हाँ तो तुम 240 की स्पीड से जीप चला सकते हो नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं है अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कुल मिला के मार्क ही 700 है तो 700 में से 735 कैसे मिल सकते हैं सही बात है आओ मैं बताता हूँ आ जाओ आओ एक मिनट पोपटलाल यहाँ पे ठीक से एक मिनट सब जगह जो मैं बताता हूँ प्लीज तो बार बार बंक क्या कर देता है सब लोग इधर आ जाते हैं क्या टोटल है 735 चार सब्जेक्ट में तो 100 से भी ज्यादा मार्क्स मिले देखो देखो ये देखो गोलिया बकरे पता नहीं क्यों लेकिन ये वेबसाइट ही बंद हो गई अरे कमाल है वो ये सब की गड़बड़ है भाई वो गोगी पुत्र के रिजल्ट का की पता चलेगा यार सोड़ी तू बिल्कुल परेशान मत हो भिड़े तू अभी के अभी गोगी के स्कूल में फोन कर और पता लगा कि माजरा क्या है वहां से गोगी का रिजल्ट भी पता चल जाएगा हां बराबर है हां मैं स्कूल में फोन करके इंक्वायरी करता हूं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ हां जल्दी फोन कर यार
हेलो। हाँ गोखले जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलिए आत्माराम जी। दरअसल हम सभी सोसाइटी वाले ना हमारे क्लब हाउस में इकट्ठा हुए हैं। वो हमारे सोसाइटी का गोगी है ना गुरुचरण सिंह, उसका एसएससी का रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन वेबसाइट पे हमने चेक किया तो वहाँ पे उसको 105% मिले है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ वो वेबसाइट गलत रिजल्ट दिखा रही है। गलत रिजल्ट मतलब? ऐसा दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है, बहुत लोगों को वेबसाइट पर अजीब रिजल्ट दिखे हैं। दरअसल वो एक फर्जी वेबसाइट है। फर्जी वेबसाइट? हाँ लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने सतर्कता दिखाते हुए उस वेबसाइट को ब्लॉक भी कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट थी ना वो फर्जी थी और मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने उसको ब्लॉक कर दिया है। उत्तरी गोखले सर से ही पूछे ना गोगी के रिजल्ट के बारे में। गोखले जी तो आप क्या बता सकते हैं गुरुचरण सिंह का रिजल्ट क्या आया है? नहीं वो मैं नहीं बता सकता, रिजल्ट अभी मेन ऑफिस में है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ इस साल का रिजल्ट कम आया है। अच्छा? स्टूडेंट्स मायूस न हो जाए इसलिए हमारे प्रिंसिपल साहब और टीचर्स स्टूडेंट्स को हौसला देने जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू गोखले जी, थैंक यू वेरी मच। ओके इस साल स्टूडेंट पास होने का परसेंटेज कम है, पता नहीं गोगी का क्या रिजल्ट आया होगा। वो क्यों है यार पिड़ू, वो गोखले सर ने गोगी पुत्र के रिजल्ट के बारे में क्या बताया यार? बताइए ना भीड़ अंकल, उन्होंने क्या कहा? गोगी के रिजल्ट के बारे में तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन उनका कहना है कि इस बार रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम है। जिन स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिले उनको पर्सनली प्रिंसिपल और टीचर्स मिलने जा रहे हैं। वो गोगी पुत्र का रिजल्ट कम नहीं आ सकता यार। Congratulations and celebrations, आया है गोगी का रिजल्ट देखो यार। Congratulations. Congratulations and celebrations. गा, मत मत गा, मत गा। सेठ जी ये मैं नहीं गा रहा हूँ, खुशी के मारे मेरा मन गा रहा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि गोगी का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। ये लीजिए सेठ जी गोगी के लिए स्मार्टफोन। तो गोगी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। क्या ना बोला, मत गा फिर भी गा रहा है भाई। मत गा भाई मत गा, यहाँ वातावरण बहुत गंभीर है। क्या हुआ सेठ जी, गोगी का रिजल्ट ठीक नहीं आया? तो भाई ठीक क्या, कुछ ज्यादा ही ठीक आया है। मतलब तो अभी दो मिनट शांति रखना भाई, बाद में सब बताता हूँ तुझे। ठीक है सेठ जी, परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शांत हो जाता हूँ। ओ यारो अभी क्या करना है? एक काम करते कोई दूसरी वेबसाइट चेक करते, 5-10 मिनट लगेंगे। ओ यारो छोड़ो ये सब वेबसाइट, और मेरे को इस पे भरोसा नहीं रहा। अभी तो एक ही काम करते हैं, होगी पता चल कितने वो स्कूल वहीं चल के हम लोग रियल में देख के आएंगे तेरा रिजल्ट क्या है। अरे वहाँ से फोन करना छोड़ी क्या? फोन करेंगे यार। टीचर और प्रिंसिपल यहाँ? अरे प्रिंसिपल साहब, टीचर क्यों है, सब ठीक है? हम लोग गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के सिलसिले में यहाँ आए हैं। पक्का मेनू कम नंबर आए इसलिए ये लोग यहाँ आए, अब क्या होगा मेरा? इस बार रिजल्ट कम आया है, प्रिंसिपल और टीचर्स यहाँ पे मिलने आए हैं, मतलब गोगी को कम मार्क्स मिले हैं। मित्रों हम गोकुलधाम निवासी है तो इसी दुनिया के प्राणी, लेकिन विलक्षण है, हम में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब गोगी को देख लीजिए, बड़े तो छोड़िए, इस छोटे ने भी कमाल कर दिया भाई। गोगी का रिजल्ट अभी अभी गोगी 100 में से 105% लाते रह गया। अब आप कहेंगे 100 में से 105 गलत रिजल्ट था ना, लेकिन सही रिजल्ट कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का रिजल्ट है कि गोगी के स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ खुद चल के आ गए हैं गोकुलधाम, उन्हें आना पड़ा।
क्या होगा ऐसा रिजल्ट? कहीं गोगी का रिजल्ट इतना खराब है कि दिलासा देने के लिए स्टाफ और प्रिंसिपल साहब आ गए गोकुलधाम सोसाइटी, या फिर बात कुछ और है? अभी गोगी के रिजल्ट में पूरी तरह से रहस्य, रोमांच और इंतजार बाकी है। अब क्या होगा ये रिजल्ट, क्या होगा धमाका, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। मुझे पता है अब सबके मन में ये सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों आए। हमें गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के वजह से यहाँ आना पड़ा है। बाप रे, क्या हुआ? मेरे रिजल्ट की वजह से? हाँ। अरे बाप रे, मतलब हाँ, की मतलब?